एसोसिएशन जिला सिंगरौली के कार्यवाहक अध्यक्ष अधिवक्ता उसैद हसन सिद्दीकी एडवोकेट के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर सिंगरौली को ज्ञापन दिया गया, जिसमें सभी शैक्षणिक संस्थाओं में कक्षावार पृथक से अन्य विषयों की भांति भारतीय संविधान विषय अनिवार्य किए जाने के संबंध में बात रखी गई। अपने ज्ञापन में अधिवक्ता उसैद हसन सिद्दीकी ने अनुरोध किया है कि सभी शैक्षणिक संस्थाओं में कक्षावार पृथक से विषय के रूप में भारतीय संविधान विषय अनिवार्य किया जाए, जिससे शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भारतीय संविधान पढ़ने पर अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी प्राप्त होगी एवं छात्र छात्राओं में भारतीय संविधान की जानकारी प्राप्त होने पर समाज में जागरूकता बढ़ेगी एवं अपराधों में कमी आएगी और हमारा देश विकास की ओर अग्रसर होगा। उक्त अवसर पर मूल निवासी संघ के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता नंद किशोर पटेल, इंडियन लॉयर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्याम सुंदर शाह, एडवोकेट सचिव सुनील कुमार शाह एडवोकेट, कोषाध्यक्ष गंगा प्रसाद शाह एडवोकेट, रेहाना सिद्दीकी एडवोकेट, विद्यापति शाह एडवोकेट, नसीमुद्दीन अंसारी एडवोकेट, कमलेश प्रसाद शाह एडवोकेट, मन्नान खान एडवोकेट, जितेंद्र कुमार चौरसिया एडवोकेट, शिव प्रसाद शाह एडवोकेट, जगन मोहन शाह अधिवक्ता, अन्नू पटेल वरिष्ठ समाज सेवी, अजय कुमार शाह, प्रहलाद कुमार शाह, राजेंद्र कुमार साकेत, लाल बाबू कुशवाहा, शैलेंद्र कुमार शाह, रामलाल भारतीय, पिंटू कुशवाहा, मकसूद आलम, सदावृज कुशवाहा, मोहम्मद शाहिद खान, रिंकू आदि लोग उपस्थित रहे। सिंगरौली से अनिल कुमार दुबे की रिपोर्ट।